प्रतापगढ़ के लाल ने आईपीएल में किया था कमाल, अब खेलेगा इंडिया के लिए, लाएगा तूफान। उसका बल्ला आग उगलता है, पहले बॉल से छक्के और चौके जड़ता है, अब विंडीज के खिलाफ उतरेगा और गाड़ देगा झंडा। प्रतापगढ़ से गरीबी में खेला क्रिकेट, मेहनत और लगन लाई रंग, अब पहनेगा नीली जर्सी और बल्ले से बरसाएगा रन। हम आपको यशस्वी की वो कहानी बताएंगे जिसकी दास्तान सुनकर संघर्ष भी मुंह छुपाएगा। यशस्वी जायसवाल के वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में सिलेक्शन के साथ ही आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यशस्वी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 मुकाबले में 26 पारियों में 80.21 की औसत से 1845 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 9 शतक आए हैं। आईपीएल 2023 में 625 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल का क्रिकेटिंग कैरियर दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ट्रक की छत पर सफर करते हुए मैच खेलने से शुरू हुआ था। इस आईपीएल में 5 अर्धशतक और 1 शतक जड़कर सुर्खियों में आए यशस्वी की शुरुआत मुंबई से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भदोही से हुई थी। आज यशस्वी के जीवन की अनसुनी कहानी हम आपके बीच लाए हैं। NNS क्रिकेट एकेडमी भदोही यूपी, यही वो जगह है जहां 7 वर्ष की उम्र में नन्हे यशस्वी को उनके माता पिता ने क्रिकेट की शिक्षा दीक्षा लेने भेजा था। यह क्रिकेट एकेडमी उत्तर प्रदेश के क्रिकेट कोच आरिफ खान की थी। 2008 से लेकर 2012 तक यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट का ककहरा आरिफ खान से सीखा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ट्रेनिंग के साल भर के भीतर ही यशस्वी ने एकेडमी के सीनियर टीम में जगह बना ली। कोच बताते हैं कि यशस्वी शुरू से ही बेहद अनुशासित खिलाड़ी था, उन्हें जो भी सीखने के लिए दिया जाता यशस्वी पूरी शिद्दत से वह टास्क कंप्लीट करते। यशस्वी गेंदबाजी में लेग स्पिन डालते और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने भी आते। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में यशस्वी ने अपने क्लब की सीनियर टीम को कई जगह मुकाबला जितवा दिया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लेदर बॉल का बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था और यशस्वी की टीम अंत में आकर फंस गई। विपक्षी टीम के धुरंधर तेज गेंदबाज लगातार बल्लेबाज को इम्तहान ले रहे थे। तब यशस्वी ने उन गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अंत में चौका जड़कर अपनी टीम को विजेता बना दिया। ग्रामीण इलाके में स्थित NNS क्रिकेट एकेडमी में गरीब तबके के बच्चे अपना सपना साकार करने के लिए आते हैं। कोच आरिफ का प्रयास होता है कि आर्थिक तंगी के बावजूद किसी को निराश ना किया जाए, हर किसी को क्रिकेटर बनने का मौका दिया जाए। 2008 से लेकर 2012 के बीच लगातार 5 वर्षों तक कोच आरिफ के साथ उनकी पूरी टीम ट्रक पर लोड माल पर बैठकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लेदर बॉल टूर्नामेंट खेलने जाती थी। दूर की यात्रा के दौरान अक्सर टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो बिना टिकट यात्रा कर रही पूरी टीम से कभी टीटी भी टिकट की मांग नहीं किया करते। हर कोई नन्हे बच्चों के सपने साकार करने के लिए हर स्तर पर योगदान करना चाहते थे। NNS क्रिकेट एकेडमी आर्थिक तौर पर कोई बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे में यशस्वी जब अलग अलग टूर्नामेंट में क्लब की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरते थे तो उन्हें नन्हे लड़कों के अद्भुत खेल को देखकर आयोजन समिति और पब्लिक की तरफ से इनामों की बारिश होती थी। इससे क्लब को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाती थी। यशस्वी ने आरिफ जी के नेतृत्व में UPCA का अंडर 14 ट्रायल दिया। फाइनल राउंड में आने के बावजूद उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो सका, इससे आरिफ खान का मन टूट गया और उन्होंने यशस्वी को मुंबई भेजने का निर्णय ले लिया। एक कोच के तौर पर आरिफ ने ठान लिया, लेकिन माता पिता की सहमति बाकी थी। यशस्वी के माता पिता ने बेटे को मुंबई भेजने से तत्काल मना कर दिया। उनका कहना था बेटा काफी छोटा है, ऐसे में घर पर रहकर ही प्रैक्टिस करना बेहतर होगा। आरिफ खान ने हिम्मत नहीं हारी, लगभग साल भर समझाने के बाद यशस्वी के माता पिता बेटे को मुंबई भेजने के लिए राजी हो गए। दरअसल शुरुआत से ही आरिफ साहब ने यशस्वी में कुछ अलग देखा था। उनका दिल कहता था कि अगर इस लड़के को बेहतर मंच मिला तो यशस्वी देर सवेर इंडिया जरूर खेलेगा। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, मामला कुछ वैसा था। मुंबई के नाला सोपारा में यशस्वी जायसवाल का पहला आसियाना था, वह वहीं अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने आजाद मैदान पर जाया करते थे। इस बीच यशस्वी के अंकल का किराए का घर उतना बड़ा नहीं था जहां रहकर वो अपनी क्रिकेट की तैयारी कर सके। यहां से यशस्वी ने क्लब देरी में रात के आसियाने की उम्मीद पर काम किया। एक दिन ये कहते हुए यशस्वी का सामान फेंक दिया गया कि वो कुछ करता नहीं है, उनकी सहायता नहीं करते, बल्कि दिन भर क्रिकेट के अभ्यास के बाद थक हार कर घर आ जाते हैं। इसके बाद कई दिन तक भूखे प्यासे गुजारने के बाद यशस्वी को आजाद मैदान के टेंट में रहने के लिए जगह मिली। भीषण गर्मी के दौरान उस टेंट में सो पाना मुश्किल था, इसलिए यशस्वी अक्सर रात में बीच मैदान पर बिस्तर लगाकर सोते थे। और खुले में सोने का नतीजा ये हुआ कि एक रात यशस्वी की आंखों में कीड़े ने काट लिया, उसकी आंख बहुत ज्यादा फूल गई। कुछ दिन के बाद से चाहे कितनी भी गर्मी हो यशस्वी टेंट में ही सोते थे। इसके बाद गुजारने के लिए
आजाद मैदान में होने वाली रामलीला में यशस्वी पानीपुरी और फल बेचने में मदद करने लगी। ऐसी कई रातें आई जब ग्राउंड मैन के साथ वह रहते उनकी लड़ाई हो जाती, बदले में यशस्वी को भूखा ही सोना पड़ता। रामलीला के दौरान कई बार यशस्वी के साथ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी उनकी दुकान पर गोलगप्पा खाने आते। यशस्वी को उस वक्त बहुत शर्म आती। यशस्वी देखते थे कि दूसरे खिलाड़ियों के माता पिता उनका लंच लेकर आते थे, पर यशस्वी को तो टेंट में ब्रेकफास्ट मिलता नहीं था। लंच और डिनर भी खुद से रोटी सब्जी बनानी पड़ती थी। यशस्वी कहते थे कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशरम हो गया था। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उनसे कहता था पैसे नहीं हैं लेकिन भूख है। जब एक दो टीममेट चिढ़ाते थे तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता था, आंसू पीकर रह जाता था। ये सब बातें यशस्वी ने अपने बचपन के कुछ परिवारों को उस वक्त बिल्कुल नहीं बताई। उन्हें डर था कि सच्चाई पता चलने पर परिवार वापस बुला लेगा, फिर उनका हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसके बाद यशस्वी मुंबई के मशहूर क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह के संपर्क में आए और शिद्दत के साथ मंजिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार अब जाकर ख्वाब पूरा होगा। उम्मीद है कि 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का संघर्ष रंग लाएगा। यशस्वी अपने बल्लेबाजी से टीम इंडिया को ढेरों मुकाबले जिताएंगे।